लग रही है इस समय। ये मौसी मतलब ब्लॉग बहुत खतरनाक। मेरी भाभी है कंजू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज देखिए फाइनली वो दिन आ गया जिनका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज हम सब लोग जा रहे हैं दीदी के घर शादी में, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था आप लोगों को। और देखिए साथ में नौडी भी जा रहे हैं और इनको वहाँ छोड़ना है, इनको जो मेरे वहाँ काम करती थी राधा, तो उन्हीं के घर छोड़ना है। और उन्हीं के पास रह भी सकता है ये, और किसी के पास रह भी नहीं सकता है क्योंकि उससे हिला भी है। तो आज पहली बार मैं इसको उनके घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि कोई रखने वाला नहीं। और देखिए नौडी कितने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और न्यू गाड़ी में बैठ के जाएंगे और पंजे वगैरह लगा देंगे, ये डर लग रहा था हम लोगों को, तो इसी वजह से ये आगे बैठे थे। और नौडी को बांध के ले जा रहे हैं चैन के साथ में, और इनका खाना पानी वगैरह हम लोगों ने सब दे दिया है इनको। और अब हम लोग पहुँच गए हैं बरेली के पास, तो एक जगह पर ढाबे पे रुक के थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा पी रहे थे क्योंकि भूख लग गई थी। और सुबह हम लोगों ने सिर्फ चाय और ब्रेड खाए थे क्योंकि बहुत जल्दी निकले थे, तो इतनी जल्दी कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है। और हम लोग एक ढाबे पे रुके थे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाया गया था, और मैंने तो पकौड़ियाँ खाई थी और इन लोगों ने मिर्च के पकौड़े खाए थे। और फ्रेंड्स आगे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे सभी बच्चों के साथ। तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। कर ले, वैसे भी आजकल नहीं बना रहे, कुछ भी कर ही नहीं पा रहे, तबीयत नहीं सही है। आप बोल तो रहे हो, आप बता रहे हो बाद में वॉइस आपका तो इसे वीडियो बन जाती है बाद में, वो एडिट तो बाद में होता है कि हम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। और ये देखिए पानी आ गया, मौसी जी खतरनाक ब्लॉगर हो रही है आजकल, बहुत उनसे पढ़ा ही नहीं। नमस्ते नमस्ते। हम लोग अभी आए होगे ना, हम लोग आधा घंटा हो गया। तुरंत बोल दो तो जमेगा नहीं। मौसी ने इसकी भी ब्लॉगिंग कर ली, चाय की भी भैया, चाय की भी भैया। अब हमारी ब्लॉग ये देखो बैठी पड़ी है सब, तुमने तो अंदर ही बैठी पड़ी हो। नमस्ते दीदी, मम्मी क्या है पायल का हाल? बोल दी मत, आओ प्रीति। मम्मी पहचान में नहीं आई क्योंकि बाल काले हो गए बिल्कुल, तो हम दूर से हमको लगा कोई बैठा होगा, हमने ध्यान होने दिया। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा काले है तो ठीक है। स्तुति ये स्तुति भूल गई क्या? भूल गई, इस समय अभी नहीं बोलेगी, इसका तो आदत है थोड़ा देर बाद, थोड़ी देर बाद नानी अंदर पता नहीं ऊपर जाएगा। बन गई चाय कि सब गिर गई? बताओ नहीं है यसी? अरे मौसी बन गई चाय नहीं है, चक्कर में चाय की चक्कर में, हाँ करने चक्कर में नहीं, दिखने के चक्कर में कि ब्लॉग में हम पूरा फोकस ले जाए, और फोकस के चक्कर में चाय निकल गई। चलो चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। यसी कितनी सुघड़ गहरी लग रही है इस समय, जानू की चाय रखी पानी हो गई है। मौसी ससुराल निभाने वाले सबको आ जाता है काम करके। ये मौसी मतलब ब्लॉग बहुत खतरनाक चल रहा है, हटा ले देखो कैसे यहाँ से। अरे नहीं नहीं चलाइए चलाइए खाने का, देखो चंदिया दे दो तुम लोग को, चंदिया के खाना तैयार है, सैलेड चंदिया खानी है, सब लोग खा रहे हैं जो ये करके जो बैठता जा रहा है, कोई कर रहा है। और क्या है इसमें, क्या है? कढ़ी
सही बात है। सैलेड सैलेड चाय पियो के खाना ही खा लो सीधा, खाना ही खा लो। लोग कह रहे हैं तुम 8 बजे सो के उठे हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भैया, अब तो बड़े हो गए हो तुम लोग, तो पैर छूने लायक हो गए हो। और देखिए अब सब लोग खाना खाने लगे हैं। और जब हम लोग आए थे उसके आधा घंटा पहले ही मम्मी लोग यहाँ पहुँची थी, तो उन लोगों के लिए चाय बन चुकी थी। उसके बाद दीदी की बेटी चाय बना रही थी, तो मस्ती भी सब हो रही थी साथ में, क्योंकि बच्चे जहाँ सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। और चाय भी इसकी निकल गई, तो इसी वजह से सब लोग बहुत हंस रहे थे। और देखिए और आज ही सब फंक्शन है, क्योंकि अभी भात का प्रोग्राम होना है, उसके बाद हल्दी होगी, फिर मेहंदी होगी, इसीलिए दीदी जल्दी कर रही थी कि सब लोग खाना पीना खा के निपट जाएं, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और देखिए मैं दीदी की किचन की वीडियो ले रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी, मुझे भी ऊपर के पोर्शन में बनवानी थी किचन, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया था। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ पर। सब मेहंदी के लिए रेडी हो रहे हैं, सभी बच्चे येलो येलो पहने हुए हैं। अच्छा नीचे वही बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स अब सब लोग हल्दी के लिए रेडी हो गए थे, और अब भात वालों की दीदी भतहों को टीका कर रही हैं। जैसे कि भाई लोग आते हैं गेट पर टीके होते हैं, तो वही टीके हो रहे थे। और सभी लोग हल्दी की ड्रेस में ही हैं इस समय, क्योंकि तुरंत ही हल्दी होनी है। उसके बाद पहले भात चढ़ेगा, उसके बाद हल्दी होगी, और उसके बाद फिर मेहंदी है रात को। तो सब प्रोग्राम लगातार है, तो इसी वजह से सब टाइमिंग से निपटाए जा रहे थे कि मतलब सब सही से निपट जाए सब पूरे प्रोग्राम। और देखिए यहाँ पर दीदी टीके कर रही हैं सभी के, अंदर आ रहे हैं सब लोग। वैसे तो आ ही चुके हैं, चाय पानी तो सब हो ही चुका है, खाना पानी, क्योंकि जब परदेश में होता है इंसान तो फिर क्या किया जाए। अब देखिए ये छोटे भाई के बच्चे हैं दोनों, तो दीदी इनका भी मेरी भाभी है कंजूस, मेरा भैया है दिलदार। मेरी भाभी है कंजूस, मेरा भैया लाए। और देखिए यहाँ पर दीदी की दोनों बेटियाँ भात गा रही थी मोबाइल में देखकर, तो सभी लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और अब देखिए टीके का प्रोग्राम हो चुका है, और अब जो है भाई लोग अपना तैयारी कर रहे हैं भात चढ़ाने की। तो यही लोग सब अपना लिफाफा वगैरह देख रहे थे, क्योंकि दीदी के घर वालों के और इनके सभी के लड़की दामादों के टीके होने थे, तो वही सब तैयारियां हो रही हैं। ये लोग लगे हुए हैं अपने काम में। देखिए दीदी व्यवस्था बना रही हैं बैठने उठने की, और सभी लोग येलो येलो कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब पूरे घर के सब बच्चे और पूरा परिवार सब साथ होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए इनकी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन फिर भी ये गए थे, जाना भी ज़रूरी था, इसीलिए ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, शायद वो लेट गए थे जाके। नीचे से स्टार्टिंग करा। और ये देखिए मेरी दीदी की बेटी है जिसकी वेडिंग है, और मैंने सोचा चलो इसका भी एक लुक ले लेती हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो मैंने थोड़ा सा इसका भी सूट कर लिया था। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और ये मेरी बेटी है, और सभी बच्चे रेडी हो गए हैं। और फंक्शन आजकल बहुत बच्चों को तो ज़्यादा क्रेज़ रहता है हर चीज़ का, तो डांस वगैरह भी होंगे, तो आप लोग मेरी वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो पूरी शादी का मैं आप लोगों को वीडियो डालूंगी, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ, तो बने रहिएगा। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और देखिएगा आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।